स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक चार में। देखिए क्या दिया गया है, माध्य व प्रसरण ज्ञात करना है जिसमें x और f का कॉलम हमें दिया हुआ है। तो देखिए ये कौन सा सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है यानी कि असतत श्रेणी। इसमें हमें सबसे पहले माध्य निकालना होगा, तो माध्य का सूत्र क्या होता है असतत श्रेणी में, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है। देखिए यहाँ पे x और f दोनों दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल N होगा, क्योंकि कैपिटल N मतलब क्या होता है समीशन ऑफ F, तो इस F का समीशन यानी कि योग। तो इसके लिए हमें समीशन ऑफ एफ एक्स के लिए F इंटू एक्स निकालना होगा, तो एफ एक्स पहले निकाल लेते हैं फिर उसका सम कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा F गुना X, तो F और X को आपस में गुना करूंगा, छः दूनी बारह, दस चौक चालीस, ऐसा करके सबको गुना कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो सबको गुना करूंगा तो ये आंकड़ा आएगा। ठीक है, इसका सम करूंगा यानी कि पूरा का योग करूंगा तो 760 आएगा, और f का योग करूंगा तो 40 आएगा। तो ये समीशन ऑफ f हो गया जिसे हम कैपिटल N भी बोलते हैं, और समीशन ऑफ fx 760। तो यहाँ फॉर्मूला में रख देता हूँ, यहाँ पे समीशन ऑफ fx के जगह में रख सकता हूँ 760, और कैपिटल N यानी कि समीशन ऑफ f के जगह रख सकता हूँ 40। ये कैंसिल हो गया, तो x बार यानी कि माध्य क्या हो जाएगा, ये 4 × 4 और फिर 3 यानी कि 4 × 36, तो 19 आ जाएगा इसका उत्तर। तो माध्य आ गया 19। अब हमें ज्ञात करना है प्रसरण यानी कि सिग्मा का स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रसरण। हमें पता है कि डिस्क्रीट सीरीज यानी कि असतत श्रेणी के लिए प्रसरण का सूत्र क्या होता है, यहाँ f भी आ गया है तो सूत्र क्या हो जाता है समीशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल N आएगा इसलिए कैपिटल N। तो फॉर्मूला इस श्रेणी को देखकर हम बता सकते हैं, पिछले श्रेणी में क्या था, इंडिविजुअल सीरीज था, व्यक्तिगत श्रेणी था, तो उसमें f था नहीं इसलिए फॉर्मूला में भी f नहीं था, और कैपिटल N नहीं था, स्मॉल N था आंकड़ों की संख्या, इसलिए पिछले फॉर्मूला पिछले श्रेणी में N स्मॉल था। ठीक है, तो इस श्रेणी को देखकर हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और उसके साथ f का गुना और उसका समीशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें n का मान तो पता है क्या है 40। ठीक है, x माइनस एक्स बार निकालना होगा, तो एक अलग कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार का, तो इसमें क्या होगा x माइनस एक्स बार, तो x क्या है 6, तो 6 माइनस x बार क्या है 19, तो 6 में 19 घटाऊंगा कितना बचेगा 13, माइनस 13 ये हो जाएगा माइनस 13। देखिए ये मॉड में नहीं है जो कि ये प्लस हो जाएगा, मॉड में नहीं है तो इसको माइनस में ही लिखना है। अब देखते हैं दूसरा, 10 में 19 घटाऊंगा क्या बचेगा माइनस 9, फिर उसी प्रकार 14 में 9 घटाऊंगा क्या बचेगा माइनस 5, 18 में 19 घटाऊंगा माइनस 1, 24 में 19 घटाऊंगा फिर क्या हो जाएगा ये माइनस सॉरी प्लस 5, फिर 9 और फिर 13, तो ये आएगा इसका संख्या। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका वर्ग यानी कि x माइनस एक्स बार का वर्ग। तो हमें क्या करना होगा, ये जो x माइनस एक्स बार है ये सभी का वर्ग लिखना होगा, तो माइनस 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, 9 का 81, 5 का 25, 1 का 1, 5 का 25, 9 का 81 और 13 का 169। अब देखिए एक लास्ट चीज क्या बच गया, हमें समीशन चाहिए किससे, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो आ गया, इसके साथ f को इंटू करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये होगा एक लास्ट कॉलम जिसका हमें सम चाहिए, समीशन चाहिए, योगफल। तो देखिए क्या हो जाएगा, f के साथ गुना करूंगा x माइनस एक्स बार के स्क्वायर के साथ, यानी कि ये कॉलम और ये कॉलम दोनों आपस में गुना हो जाएगा। देखिए इसको आपस में गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1, 6 दूनी 12 13 का 3 कैरी 1, ये हो जाएगा 338। उसी प्रकार इसको गुना करूंगा क्या हो जाएगा 4 × 4 8 चौक 32 324, तो सभी को मैं गुना कर दूंगा तो आंकड़ा आ जाएगा। तो देखिए इसको f और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को आपस में गुणा करने पर ये सब आंकड़ा आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे 11 हो जाएगा ना, एक्चुअली यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था, तो 11 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 121, तो ये आएगा आंसर। देखिए योग करने पर 1736 आएगा, यानी कि समीशन सिग्मा ये क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया
1736 बट्टे कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब कि समीशन ऑफ एफ कितना है 40, तो इसको भाग दे दूंगा। तो देखिए इसको भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर यानी कि प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा 43.4। तो ये हो गया प्रसरण और माध्य आ गया 19। तो इस प्रकार बनेगा यह प्रश्न। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। यही प्रश्न क्रमांक 4 के जैसे है, इसमें भी हमें माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है। तो हमें x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, ये भी डिस्क्रीट सीरीज है यानी कि असतत श्रेणी। तो हमें माध्य निकालने के लिए सबसे पहले समीशन ऑफ एफ एक्स निकालना होगा और कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब क्या होता है समीशन ऑफ एफ, तो इस एफ का सम। तो कैपिटल एन बराबर देखिए सबको आपस में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 दिया 12 12 13 14 15 16, 16 और 6 22, यानी कि कैपिटल एन आ गया 22। ठीक है तो ये तो आ गया 22। समीशन ऑफ एफ एक्स निकालना है तो उसके लिए पहले एफ एक्स निकालना होगा, फिर उसका सम करेंगे, उसका योगफल निकालेंगे। तो एफ एक्स यानी कि एफ गुना एक्स, तो एफ और एक्स दोनों को आपस में गुना कर दूंगा, क्या हो जाएगा देखिए 3 दुनी 6 और 9 3 27 276, वैसे 3 दुनी 6 9 दुनी 18 7 3 21 का एक कैरी 2 9 3 27 28 29 291। उसी प्रकार सभी को गुणा करते जाऊंगा तो ये सब आंकड़ा आ जाएगा जब ये दोनों को आपस में गुणा करूंगा। तो अब इसका हमें समीशन निकालना है यानी कि योगफल, तो सबका योग करूंगा तो ये आ जाएगा 2200। इसका मतलब समीशन ऑफ एफ एक्स क्या हो गया 2200। तो समीशन ऑफ एफ एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 2200, ये आपस में 22 एकम 22 और 2 शून्य यानी कि 100। तो यहाँ माध्य क्या हो गया 100, तो माध्य आ गया 100। अब हमें क्या निकालना है इसका प्रसरण यानी कि सिग्मा स्क्वायर। सूत्र क्या होता है पिछले प्रश्नावली में भी हम देख चुके हैं, डिस्क्रीट सीरीज यानी कि असतत श्रेणी होता है तो f होता है, तो समीशन ऑफ f इनटू x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल n। कैपिटल n तो हमें पता है कितना है 22, तो ये हो जाएगा 22। हमें ये निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले x माइनस x बार निकालना होगा, तो x माइनस x बार हम कैसे निकालेंगे, तो x, x क्या है यहाँ पे 92, तो 92 माइनस x बार, तो x बार क्या है 100। तो देखिए 92 में 100 घटा दूंगा क्या बचेगा -8, तो ये हो जाएगा -8। उसी प्रकार 93, 93 में 100 घटाऊंगा -7, 97 में 100 तो -3, 98 में 100 तो -2, 102 में 100 घटाऊंगा तो 2 हो जाएगा, 104 में 100 तो ये हो जाएगा 4 और 109 में 100 तो ये हो जाएगा 9। ठीक है अब इसका स्क्वायर करना है क्योंकि x माइनस x बार का स्क्वायर वाला है, तो -8 का वर्ग 64, 7 का 49, 3 का 9, 2 का 4, 2 का 4, 4 का 16 और 9 का 81। अब देखिए हमें क्या करना है, एफ गुना एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, यानी इस f और x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये दोनों कॉलम को आपस में गुना करना है। तो क्या हो जाएगा 64 3, तो 4 3 12 का 2 कैरी 1, 6 3 18, 18 और 1 19, 192। उसी प्रकार ये सभी को भी गुणा करते जाएंगे तो 49 दुनी क्या हो जाएगा 98, फिर 9 3 27, 4 दुनी 8, 4 6 24, 16 3 48, 81 3 क्या हो जाएगा 3 1 3 और 8 3 24, तो 243 हो गया। अब हमें इसका समीशन चाहिए यानी कि योगफल, क्यों, क्योंकि समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, तो इस सभी का हम योग कर देंगे, तो योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 640। तो समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना है 640। इसको आपस में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर 29.09। तो ये हो जाएगा इसका प्रसरण और ये माध्य। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, देखिए क्या दिया गया है, लघु विधि द्वारा माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए हमें माध्य यानी कि x बार और मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है तो लघु विधि, तो ये कौन सा लघु विधि बोला है, तो लघु विधि होता क्या है सबसे पहले ये जान लो, लघु विधि में जो सूत्र लगता है वो y का लगता है। ठीक है तो अभी तक जो पिछले प्रश्न में हम देखे थे तो उस सूत्र में x बस आता था, लेकिन लघु विधि में y भी आएगा। देखिए y निकालते कैसे हैं, तो x का कॉलम तो दिया है, f दिया हुआ है, हमें y निकालना है। तो देखिए y का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, तो y बराबर
एक्स आई माइनस ए, स्मॉल ए क्या है, एज्यूमिंग नंबर, जैसे कि x से कोई सा भी एक नंबर को मैं एज्यूम कर कर चलूंगा, जैसे कि इस 64 को मैं एज्यूम करूंगा तो ये स्मॉल a कहलाएगा, ठीक है। और y निकालना है, पहले वाले का निकालना है, तो x का पहला मान क्या दिया, x का पहला मान 60 माइनस एज्यूमिंग वैल्यू क्या है 64, तो 60 में 64 घटाऊंगा क्या बचेगा माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 4। उसी प्रकार 61 में 64 घटाऊंगा क्या बचेगा माइनस 3, फिर माइनस 2, माइनस 1, फिर 64 में 64 घटाऊंगा ये हो जाएगा 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये हो गया y का पूरा मान। देखिए ये फॉर्मूला हम कब पढ़ते थे, जब हमारे पास वर्गीकृत श्रेणी रहता था, यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज, ग्रुप्ड सीरीज रहता था, तो कुछ h भी मिलता था, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला d निकालते थे यहां से हम और अपॉन h कर देते थे, लेकिन यहां पे डिफरेंस तो है नहीं, इसलिए h वाला पोर्शन यहां पे नहीं आएगा और ये d नहीं बल्कि y होगा इस श्रेणी में, ठीक है। तो y का तो आ गया। अब देखिए माध्य निकालने का हमारे पास दो तरीका है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्क्रीट सीरीज है, f और x है, तो समीशन ऑफ fx अपॉन n कर सकते हैं, fx हम यहां से निकाल सकते हैं। तो जब fx निकालेंगे तो यहां तक तो ठीक है, छोटा नंबर के साथ गुना हो रहा है, तो लेकिन जब हम यहां आएंगे तो 64 × 25 करना होगा, 63 × 29, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। हालांकि हम इस मेथड से बना सकते हैं लेकिन लघु विधि है तो y वाला आएगा, तो इसके लिए x बार सूत्र क्या हो जाएगा, जो हम ग्रुप्ड सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज के लिए पढ़े, क्या a प्लस क्या होता है समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन कैपिटल n, ग्रुप्ड सीरीज में हम इंटू एच भी पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे h तो है नहीं, यानी कि दो ग्रुप तो इंटरवल है नहीं, अपर लिमिट लोअर लिमिट जो यहां से h निकले, तो इसलिए इस श्रेणी में ये h नहीं आता है, ठीक है। तो ये आएगा a, यानी कि जो नंबर एज्यूम करके चले, कौन सा संख्या को एज्यूम किए 64 को, तो a हो गया 64 प्लस समीशन ऑफ एफ वाई निकालना होगा हमें, ठीक है, तो f इंटू वाई करना होगा, फिर उसका समीशन निकालेंगे। तो देखिए एफ वाई निकाल लेते हैं, तो ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 4 × 8 − 8 − 3, 12 × 24 − 29, ये हो जाएगा 0, 12, 20, 12, 5, 4, 20, इसका हमें समीशन निकालना है, क्योंकि समीशन ऑफ एफ वाई चाहिए हमें, तो इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए इसका हम योग कर देंगे, समीशन निकालेंगे, तो सबसे पहले पूरा प्लस प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं, तो 20 × 20 = 40, 40 × 20 = 60, 60 × 4 = 64, तो प्लस में आ गया 64 वाला, और माइनस वाले को आपस में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 3 = 12, ये भी 64 हो जाएगा लेकिन ये रहेगा माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, साइन किस में होगा माइनस में, लेकिन दोनों बराबर है तो प्लस 64 − 64 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब जब इसको पूरा योग करेंगे तो शून्य आएगा, ठीक है। तो समीशन ऑफ एफ आई क्या हो गया शून्य हो गया, तो समीशन ऑफ एफ आई की जगह शून्य रख देंगे, एन कैपिटल एन क्या होगा यानी कि समीशन ऑफ एफ, तो इसका जब हम योग ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए 0/100, 0/ कुछ भी हो, ठीक है, हर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अंश में शून्य है इसका मतलब इसका मान शून्य होगा, तो 64 × 0 ये क्या हो जाएगा 64, तो x बार यानी कि माध्य तो आ गया 64, एक उत्तर तो आ गया। अब हमें मानक विचलन ज्ञात करना है, तो मानक विचलन होता क्या है सिग्मा, तो उससे पहले हमें सिग्मा स्क्वायर ज्ञात करना होगा जो कि होता है प्रसरण, ठीक है, तो प्रसरण तो पूछा नहीं गया है लेकिन प्रसरण मिलेगा तब उसका हम वर्गमूल करेंगे तब जाके उसका मानक विचलन मिलेगा, तो प्रसरण का सूत्र हमें पता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, देखिए जो कि शॉर्टकट मेथड है लघु विधि, तो y आएगा यहाँ पे, तो y आएगा तो इसका सूत्र क्या होगा, सबसे पहले ये कैपिटल n वाला है, स्मॉल n वाला नहीं क्योंकि इसमें f का समीशन होगा, अगर खाली इंडिविजुअल सीरीज रहता तो स्मॉल n वाला रहता, ये कैपिटल n वाला है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा 1/N, फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ये कैपिटल n का स्क्वायर होगा यहाँ पे n इंटू समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/N का स्क्वायर, तो n क्या है 100, तो 100 का वर्ग, तो 1/ मैं यहाँ पे 100 का वर्ग लिख दिया रहता हूँ, n क्या हो जाएगा 100 गुना समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, इसका मतलब होगा क्या
कि जो fy का स्क्वायर निकालेंगे उसका समीशन निकालेंगे। देखिए समीशन ऑफ fy का स्क्वायर निकालना है, तो समीशन किसका, f इंटू वाई का स्क्वायर। तो f तो हमारे पास है, y का स्क्वायर का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर उस दोनों को गुणा करना होगा। तो y स्क्वायर का एक कॉलम बनेगा, तो देखिए माइनस चार का 16, 3 का 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, ये y स्क्वायर का कॉलम बन गया। अब हमें क्या निकालना होगा, f इंटू वाई स्क्वायर। तो f इंटू वाई स्क्वायर यानी कि f और y स्क्वायर ये दोनों कॉलम को गुणा करना है। 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, 9 एकम 9, 12 चौक 48, 29 एकम 29, ये हो जाएगा 0, 12, 40, 9 चौक 36 और 16 पंचे 80। ठीक है, तो देखिए हमें इसका समीशन निकालना है एफ वाई के स्क्वायर का, एफ वाई के स्क्वायर का समीशन यानी कि इसका योग करेंगे। तो जब इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 286। तो 286 क्या हो गया, समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे 286 गुना हो जाएगा माइनस समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। तो समीशन ऑफ एफ वाई क्या है, शून्य, और शून्य का स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होगा, शून्य। तो ये हो जाएगा शून्य। अब देखिए यहाँ पे 100 का वर्ग है और यहाँ पे 100 है, ठीक है। देखिए एन स्क्वायर है तो 100 का वर्ग 100 कैंसल हो जाएगा, क्या बचा, सिग्मा स्क्वायर बराबर 286 बट्टे 100, ये हो जाएगा 2.86। तो सिग्मा स्क्वायर यानी कि प्रसरण तो 2.86 आ गया, लेकिन हमें ज्ञात करना है मानक विचलन। तो मानक विचलन किसे बोलते हैं, खाली सिग्मा को। तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2.86। मैं इस यहां तक आंसर लिख सकता हूं, नहीं तो फिर इसका वर्गमूल निकाल देते हैं 2.86 का, तो क्या हो जाएगा मानक विचलन बराबर 1.69। तो सिग्मा यानी कि मानक विचलन हो गया 1.69, ये हो गया उत्तर।